हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओपन मेजर कॉर्ड्स का ट्यूटोरियल करने वाले हैं। ओपन कॉर्ड्स बेसिकली नट पोजीशन के पास प्ले करते हैं, और इसको ओपन कॉर्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स ओपन रहती हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि गिटार कॉर्ड्स को होल्ड करने का डिफरेंट वेरिएशंस, ये काफ़ी यूज़फुल होगा बिगनर्स गिटारिस्ट के लिए। होपफुली ये ट्यूटोरियल आपको यूज़फुल लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर and press the bell icon. All right, let's get started. Okay, so chords करने से पहले मैं आपको strings, frets and fingers के बारे में बता देता हूँ। So basically, fingers के लिए हम ये use करेंगे कि basically ये हमारा जो है index finger is basically the first finger. So when I say first finger, which means this one, index finger. Middle finger is the second finger, then ring finger, which is the third, and then the pinky, which is the fourth finger. Okay, and the frets, basically ये हमारा first fret हुआ, ये second fret, third fret, fourth, fifth and so on. और strings जब बोलेंगे तो जो thinnest string है basically ये वाली, इसको हम फर्स्ट स्ट्रिंग या ई, ये हमारी हो गई फर्स्ट स्ट्रिंग। देन उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड द थिकेस्ट, द टॉप मोस्ट इज द सिक्स्थ स्ट्रिंग। ओके, सो हम बेसिकली ये नॉमिनिक्लेचर को यूज करेंगे, फ्रेट्स, फिंगर्स एंड देन स्ट्रिंग्स। ओके, सो पहला कॉर्ड हमारा है ए मेजर। सो ए मेजर के लिए फर्स्ट फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर ऑन द सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, एंड देन द थर्ड फिंगर ऑन द सेकेंड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। सो बेसिकली ये हमारा ए मेजर कॉर्ड है। इसमें एक वेरिएशन ये है कि इसमें हम फर्स्ट फिंगर को यूज नहीं करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर से। सो बेसिकली सेकेंड फिंगर को सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, एंड द फोर्थ फिंगर ऑन द सेकेंड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। सो ये हमारा हो गया सेम, लेकिन पकड़ने का तरीका अलग है। तो इसमें हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर को यूज कर रहे हैं, उससे पहले हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फिंगर को यूज किया था। इसमें एक और वेरिएशन है जहां पे आप सिर्फ थर्ड फिंगर को यूज करेंगे। सो थर्ड फिंगर क्या कर रहा है बेसिकली, इससे हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग को प्रेस कर रहे हैं सिर्फ एक फिंगर से, यूं। और जब आप पकड़ रहे हैं कोई भी कॉर्ड तो इंश्योर करें कि सारी स्ट्रिंग्स क्रिस्प एंड क्लियर हो बिल्कुल। ये पोजीशन कई लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये काफी यूजफुल पोजीशन है, और इसको हम बाद में भी देखेंगे कि क्यों यूजफुल है। सो ये आपके तीन वेरिएशंस हो गए ए मेजर कॉर्ड के लिए। इनमें आप ट्राई करें, और जो भी ईजीएस्ट लगता है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप तीनों वेरिएशंस ट्राई करें, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्रिंग फिंगर को यूज करता है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिंगर को यूज करता है, एंड देन ओनली थर्ड फिंगर को यूज करता है। और सारे ए मेजर कॉर्ड्स ही हैं। ओके, मूविंग ऑन। सो ए के बाद बेसिकली नोट्स जो हैं म्यूजिक में, बेसिकली जो हम नोट्स यूज करते हैं, तो अगर ए से शुरू कर रहे हैं तो ए के बाद आएगा ए शार्प। ए शार्प को हम बी फ्लैट भी बोलते हैं। देन इसके बाद बी आएगा, देन सी, सी के बाद सी शार्प, सी शार्प को हम डी फ्लैट भी बोलते हैं। देन उसके बाद डी शार्प, डी शार्प को ई फ्लैट भी बोलते हैं। ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प, एफ शार्प को जी फ्लैट भी बोलते हैं। देन उसके बाद जी, एंड देन जी शार्प, एंड देन बैक टू ए। ओके, सो हम पहला कॉर्ड हमने जो किया वो ए मेजर किया। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है बी मेजर।
ओके, सो बी मेजर कॉर्ड के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमने पकड़ा था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फिंगर को यूज़ करके ए मेजर कॉर्ड। ए के बाद हमने क्या देखा, नोट्स ए शार्प आता है एंड देन बी आता है, इसको हम एक फ्रेट नीचे गए तो ये हमारा हो गया ए शार्प। एक नोट नीचे और गए, एक फ्रेट और नीचे गए तो हमारा आ गया बी। सो ए बेसिकली बी है, लेकिन इसको हम इस कॉर्ड को हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फिंगर यूज नहीं करेंगे, इसमें हम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर को यूज करेंगे। ओके, यू एंड जो हमारा जो फर्स्ट फिंगर होगा वो सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे जाएगा यहां। सो ये हमारा हो गया बी मेजर कॉर्ड। इसमें जो दूसरा वेरिएशन है, हमने एक फिंगर को यूज करके थर्ड फिंगर को यूज करके ए मेजर कॉर्ड पकड़ा था, अब इसको हम एक फ्रेट नीचे जाएंगे ए शार्प, उसके बाद बी, और जो हमारा फर्स्ट फिंगर होगा वो सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे। सो ये हमारा हो गया बी मेजर। ओके, सो यहां दो वेरिएशंस हो गया। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट कॉर्ड इज सी मेजर। सी मेजर के लिए फर्स्ट फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर ऑन द सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग एंड देन द थर्ड फिंगर ऑन द थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग। ये हमारा हो गया सी मेजर। सी मेजर में कोई और वेरिएशन नहीं है, कोई और तरीका नहीं है पकड़ने का, यही है स्टैंडर्ड तरीका है और इसी यही है सी मेजर। सी के बाद आ जाता है डी मेजर। डी मेजर के लिए फर्स्ट फिंगर ऑन द सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर ऑन द सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड थर्ड फिंगर ऑन द थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। ये हमारा हो गया डी मेजर। डी के बाद आता है ई मेजर। ई मेजर के लिए फर्स्ट फिंगर ऑन द फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर ऑन द सेकंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग एंड देन थर्ड फिंगर ऑन द सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग। ये हो गया ई मेजर। अगला है एफ मेजर। एफ मेजर के लिए फर्स्ट फिंगर ऑन द फर्स्ट फ्रेट प्रेसिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर ऑन द सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग एंड थर्ड फिंगर ऑन द थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग एंड द फोर्थ फिंगर ऑन द थर्ड फ्रेट। बेसिकली ये फोर्थ स्ट्रिंग पे है और थर्ड फिंगर विल बी ऑन द फिफ्थ स्ट्रिंग। सो ए हमारा है एफ मेजर कॉर्ड पकड़ने का तरीका, लेकिन यहां पे आप देखेंगे मैं यहां पे थंब यूज करूंगा और सिक्स स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट से प्रेस कर रहा हूं यूं। तो ये हमारा हो गया एफ मेजर। तो ये एफ मेजर तरीका है, एक काफ़ी थोड़ा ऑकवर्ड है, जनरली लोग ये नहीं यूज़ करते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द जनता यूज़ करती है वो है बेसिकली यूं बार कॉर्ड। तो बार कॉर्ड में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रेस कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड एंड सिक्स स्ट्रिंग ऑन द फर्स्ट फ्रेट यूजिंग द फर्स्ट फिंगर यू। ओके, सो यह है
कॉर्ड एफ मेजर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज जी मेजर. जी मेजर के लिए एक तरीका है फोर्थ फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर ऑन द थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर ऑन द थर्ड फ्रेट सिक्स्थ स्ट्रिंग एंड फर्स्ट फिंगर ऑन द सेकेंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग. यू ये हो गया आपका जी मेजर. दूसरा जो वेरिएशन है इसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ फिंगर को सेम पोजीशन में रखेंगे, फोर्थ फिंगर ऑन द थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन थर्ड फिंगर ऑन द थर्ड फ्रेट सिक्स्थ स्ट्रिंग एंड सेकेंड फिंगर ऑन द सेकेंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग. सो ये हमारा ए भी जी मेजर है. दूसरा जो मैंने बताया यूं जी मेजर जी मेजर जी मेजर. जब आप चेंज ओवर प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिकली सी एंड एफ, जो मैंने सी कॉर्ड पहले बताया था उससे एफ कॉर्ड मूव करना आसान होता है. बार भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो हमने क्या देखा, रिकैप, ए मेजर, बी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, ई मेजर, एफ एंड देन जी. आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.